यहाँ पे आए तो हैं ये एक्टर्स बनने, लेकिन जब ये स्टार्स बन जाते हैं तो फिर ये भूल जाते हैं कि इनका जो प्राइमरी पैशन है वो मूवीज़ है, एंड जो इनका टैलेंट था वो एक्टिंग था, लेकिन फिर इनका ये मेन टैलेंट जो है वो पैसा कमाना बन जाता है। It is people from this industry who are supposed to be youthful and who are supposed to hide these things about themselves who have come out in the open and been so inspirational to the world and said ki yes hame cancer hai. एक्टर्स सिर्फ फिल्मों से ही पैसा नहीं कमाते, बल्कि इनके पैसे बढ़ाने के और भी है जरिए। कैसे बनाते हैं एक्स्ट्रा मनी? लेट्स फाइंड आउट टुडे ऑन पेज 3। न्यू ईयर का जश्न हो या फिर किसी अमीर जादे की शादी, ये कुछ ऐसे मौके हैं जब करीना, कटरीना, प्रियंका या दीपिका जैसी बॉलीवुड ब्यूटीज अपने बैंक बैलेंस को जमकर है बढ़ाती। तो फिल्म्स के अलावा अपने दूसरे प्रोजेक्ट से किसने वसूल की तगड़ी फीस? लेट्स हैव अ लुक एट द प्राइस अर्नड बाय बी टाउन गर्ल्स फ्रॉम सच बिग डील्स। करीना कपूर ने रिपोर्टेडली अपनी फिल्म हीरोइन के लिए 8 करोड़ चार्ज करके बॉलीवुड की हाईएस्ट पेड एक्ट्रेस का खिताब पा लिया। वैसे ये हाईएस्ट पेड एक्ट्रेस ब्रांड एंडोर्समेंट्स के लिए भी अपेरेंटली चार्ज करती हैं अराउंड 1 करोड़ पर डे एंड अराउंड 5 करोड़ फॉर एन एड फिल्म, जो बॉलीवुड एक्ट्रेसेस को पे किया जाने वाला सबसे बड़ा अमाउंट है। अपनी नेशन वाइड पॉपुलैरिटी को ध्यान में रखते हुए कटरीना कैफ आजकल अपने फिल्म्स के लिए करीब 4 करोड़ रुपए चार्ज करती हैं। फिल्म्स में अदाओं के साथ साथ कैट रईस जादों की वेडिंग्स में अपने जलवे भी बिखेरती हैं। और सेक्सी कटरीना अपनी छोटी सी झलक के लिए चार्ज करती हैं वॉपिंग 1.5 to 2 crores। नेक्स्ट ऑन द लिस्ट इज द हॉट एंड सेक्सी प्रियंका चोपड़ा। अब तक खबर ये थी कि प्रियंका पर फिल्म चार्ज करती थी अराउंड 2 to 3 crores, लेकिन सुनने में आया है कि बर्फी की सक्सेस के बाद प्रियंका ने अपनी प्राइस 5 करोड़ तक बढ़ा ली है। शादियों में भी पिगी चॉप्स की परफॉर्मेंसेस की खूब डिमांड है, जिसके लिए वो चार्ज करती है करीब 50 लाख। साथ है प्रियंका की ब्रांड एंडोर्समेंट्स विच फेच हर अप्रोक्सीमेटली 50 लाख्स पर डे। अनुष्का फिल्म्स के लिए चार्ज करती हैं 1 to 1.5 crores, वहीं वो एड्स के लिए 1.5 crores की फीस भी लेती हैं। सोनाक्षी सिन्हा भी एक एडवर्टाइजमेंट के लिए 1.25 crores चार्ज करती हैं। अब तक सोना पर फिल्म चार्ज करती थी 1.5 crores, लेकिन राउडी राठौर, सन ऑफ सरदार और दबंग 2 की सक्सेस के बाद अपेरेंटली उनकी प्राइस में आया है एक हाइक। आज के बी टाउन स्टार्स कमाते हैं ज्यादा मूला थ्रू एड फिल्म्स एंड ब्रांड एंडोर्समेंट्स कंपेयर्ड टू द फिल्म्स। लेट्स आस्क अ वेरी ओन पेज 3 एंड बॉलीवुड एक्सपर्ट सिमी चंदोक। सिमी, वेलकम टू द शो। हे सुप्रीत, लॉट्स ऑफ मूला मेड आउटसाइड ऑफ फिल्म्स एज वेल, इजंट इट? आई थिंक सुप्रीत यहां पे आए तो हैं ये एक्टर्स बनने, लेकिन जब ये स्टार्स बन जाते हैं तो फिर ये भूल जाते हैं कि इनका जो प्राइमरी पैशन है वो मूवीज है, एंड जो इनका टैलेंट था वो एक्टिंग था, लेकिन फिर इनका ये मेन टैलेंट जो है वो पैसा कमाना बन जाता है। एंड प्रॉब्ली इफ अ हीरोइन इज मेकिंग अबाउट से 1 crore or 2 फ्रॉम अ मूवी वेयर शी स्पेंडिंग 4 or 5 months, और फिर अगर पिक्चर चल जाती है तो उन्हें क्रिटिकल अक्लेम मिलता है, और अगर पिक्चर पिट जाती है तो उन्हें बहुत ही क्रिटिकली डिफेम भी होना पड़ता है, एंड दैट्स नॉट एन ईजी थिंग टू डू। सेकेंडली दे हैव टू गो थ्रू अ लॉट ऑफ स्ट्रेस, यू नो, प्रमोटिंग द मूवी और हैंडलिंग द फेलियर ऑफ द मूवी, एंड दे हैव टू टेक द ब्लेम फॉर इट। यहाँ पर जब अगर वो ब्रांड्स को एंडोर्स करते हैं, दे आर ऑलवेज शोन इन अ पॉजिटिव लाइट, सो विच इज़ वेरी ईजी टू टेक। तो वो हमारे घरों में आ जाते हैं, हमारे लिविंग रूम में आ जाते हैं हमारे टी वी के जरिए, सो यू नो इट बिकम्स वेरी ईजी। दे आर ऑलवेज शोन इन अ पॉजिटिव लाइट। 2 दिनों का काम होता है, और जितना पैसा शायद वो एक मूवी से कमाते हैं उससे शायद थोड़ा अधिक ही यहाँ पर वो कमा लेते हैं, एंड इट्स जस्ट 2 डेज जॉब फॉर देम, एंड दे आर शोन पॉजिटिवली, एंड उन्हें ये भी एक अश्योरेंस मिल जाता है कि ये कॉन्ट्रैक्ट उन्हें शायद 3 या 4 साल के लिए मिल जाएगा। सो दे आर लुकिंग गुड एंड पीपल आर लाइकिंग देम एंड पीपल आर बाइंग मोर प्रोडक्ट्स थैंक्स टू देम, सो इट्स ऑल वर्किंग इन अ परफेक्ट वे। एंड जब वो वेडिंग्स पर जाते हैं, दे आर शोन इन अ ब्यूटीफुल पॉजिटिव लाइट, जहाँ वो डांस कर लेते हैं, लोगों के साथ पोज करते हैं, एंड एवरीबडी इज़ देयर फैन, सो देर इज़ नो क्वेश्चन ऑफ एनीथिंग नेगेटिव। कैश में पैसा ले लेते हैं, टैक्स उन्हें भरना नहीं पड़ता है उसका, फोटोज़ वोटोज़ खींच के वहाँ से खिसक जाते हैं, एंड इट्स क्विक ईजी मनी एंड नोबडी इज़ एवर गोइंग टू फाइंड आउट। वेल सिमी, अभी वेडिंग की बात चल ही रही है, तो हाउ अबाउट द ऑड शॉट ऑफ द डे? बिल्कुल सुप्रीत, तो अगर ऑड शॉट है तो वी विल पिक अप वन ऑफ आर वेरी पॉपुलर डिज़ाइनर्स फ्रॉम Mumbai. Maika Mirpuri, a very talented designer from Mumbai, is here with us on page 3, giving us a lot of valuable tips. So let's go straight to her studio, and she's the odd shot for the week.
All right, let's check out some wedding wardrobe. Maika, welcome to page 3. Thank you so much, Zoom. Thank you so much, Simi. Aajkal, brides are more ready to experiment with colors, right? So what are the colors jo thode hatke ho for the bride? Things like lime green, coral, blue, a lot of purple. I've just played around a little different from the red and the pinks which we normally use. The bride, conventionally, these are sagan ke colors, they're auspicious colors. So we do give the tones of pink, fuchsia, hot pink is so in always. But we try and give them different varieties like a yellow or a lime. And I just feel they're always, brides are always so pretty. You just how you make them up in terms of color. Can we show some to our bride to be's ki wo alag color kaise pehen sakti? Absolutely. Come, let's go through some clothes. Yeah. This is a gota sari. It's like lime green and pink, and we've done them with contrast. You just wear this with uncut pearls or just some nice uncut jewelry. Or konsa color of bride ke liye recommend karengi? I've done a sherwani with again gold gota work on it. And ye lehenga hai. And it's a lehenga. It's in tulle. It's very volumatic, very slimming, and the back is nice and low at the back. I've done this Swarovski blouse, which has a lot of bling, but it's a classic. It goes with every color of sari. They can even wear it with like just a plain grey or something very subtle. Sari. So this currently has been kind of a hot seller with me because a lot of people, youngsters, older, everybody is just picking these up and, you know, nude sari, any just bright color sari, right. It just merges beautifully with it. Well, I have a confession to make your Maika. Tell me. I think this one came with a shrug. Yes, this one. And it was too many clothes for me. So I took off the shrug. And I used the dupatta. But that's and when my sister saw the picture, she thought I was wearing a very sexy gown. Yeah. And until I told her there was a dupatta, and this was really sexy, and it was very, very Indo-Western. I got a lot of compliments, by the way. I'm so happy. And that's the whole purpose, because you can, you know, remove it, tone it up, and you can look different for another occasion. My viewers are going to be very happy because they've got a visual treat here, and they've also got great, great tips from you. Thank you for talking to Zoom once again, Maika. And hopefully, we'll see you again next season. Thank you so much. Thanks, Simi. Thanks so much. Begin on page 3. Simi, what are the parties we went to this week? Supreet, अब आज शादियों की बात हो ही रही है और हमने यहाँ तक अपने व्यूअर्स को बता दिया है कि शादियों में कैसे तैयार हो तो माहौल ऐसा बना हुआ है दैट आई वॉन्ट टू प्रॉब्ली टॉक अबाउट वन ऑफ द मोस्ट फेस्टिव एंड वन ऑफ द मोस्ट हाई स्पिरिटेड वेडिंग्स दैट आई हैव अटेंडेड इन मुंबई आफ्टर अ लॉन्ग टाइम सो माई फ्रेंड्स अरुण एंड डेबी हिटकारी होस्टेड अ ब्यूटिफुल वेडिंग फॉर देयर सन अर्जुन एंड ऑफकोर्स नाउ देयर डॉटर गायत्री एंड वी गोइंग टू शो द संगीत एज वेल एज द रिसेप्शन दैट वॉज राइट इन मुंबई By we had guests flying in their private jets right from New York and all the way from Europe, every possible part of the world, and it was beautifully done. And of course, yahan pe hamare India se bhi celebrities ki kami nahi thi. So whether it was politicians, whether it was film stars, whether it was our own page 3 people, this is one wedding that was completely buzzing with so much of energy. And Mika was performing and. Beautiful bride and beautiful, lovely guests, and you just have to check it out. And let's just give them a glimpse first, and we can talk about it later. Yeah, sounds like one fancy celebration. Let's check it out. Reaction with all these international guests at this lavish wedding. It's absolutely Supreet, you know, I mean, first of all, it's hard enough to get your cameras into a private wedding like that. And the Indian guests themselves were so completely mesmerized with the such a beautiful, you know, wedding. And I decided to speak to the people themselves. And here we have them talking to our page 3 cameras. तो आई थिंक इट्स बेस्ट इफ आई डोंट से इट हियर वी कैन जस्ट गो स्ट्रेट टू देम लेट्स हियर देम आउट तो यहाँ शादी हो चुकी है अरुण जी के बेटे की बधाइयाँ पेज 3 की तरफ से Thank you. और यहाँ पर बहुत सारे गेस्ट आए हैं
बहुत सारे देशों से बहुत ही सेलिब्रेटेड शेफ है. व्हाट डू यू थिंक अबाउट द फूड हियर? The food in India is absolutely fantastic, especially here at this event. I've never come across something so fresh and so amazing. I had the opportunity to go out on the streets the other day and actually check out the local ingredients and what they use here. And it's so fresh and so vibrant. The curries are just layered with flavor and it's absolutely amazing and everything in there. और यहाँ पर मीका परफॉर्म कर रहे थे, बहुत ही मजा आया. और मैंने चार्ली और चार्ली की बीवी जो एना है यहाँ पर, इनको मैंने डांस करना सिखाया. So what are the Bollywood moves I taught you? A ton. Let me do my thing. Arun, I must say you have some gregarious friends and wonderful company. Thank you for having Zoom here. Thank you so much. Oh, Simi, that was one big fat wedding. Yes, it was. Gossip itni jaldi khatma ho jaye? Nah, that isn't the page 3 way. So if you're thinking you can leave us now, think again. Kyunki spice of flavor abhi bhi hai baki. Don't think to miss it. पर्सनालिटीज की अब बदल गई है सोच. जहां वो पहले अपनी पर्सनल लाइफ और प्रॉब्लम्स को रखते थे दुनिया की नजरों से दूर, आजकल अपनी बड़ी बीमारी के बारे में भी बताने से नहीं रहते हैं दूर. Kudos to them. वैसे दुनिया से छुपी रहने वाली मनीषा कोइराला को जब कैंसर जैसी बड़ी बीमारी ने घेरा, तब उन्होंने नहीं छुपाया अपना चेहरा. She openly addressed her fans through internet और बताया कि कैसे she is fighting the disease and will definitely get well soon. One of the youth icons, cricketer Yuvraj Singh को जब कैंसर हुआ, तो वो लाइमलाइट से भागे नहीं, बल्कि उन्होंने सबको अपनी बीमारी के बारे में बताया और लगभग हर बिगड़ती और सुधरती हालत की पिक्चर्स और अपडेट्स दिए. Without fearing any image hamper, he spoke to the world like a true fighter. Eminent anchor and actress Lisa Ray ने कैंसर जैसी डेंजरस डिजीज को फाइट किया और लोगों को दिखा दिया कि डर से नहीं बल्कि डिटर्मिनेशन से वो बड़ी से बड़ी मुसीबत को आसानी से हरा सकती हैं। अनुराग बासु खुद को एक कैंसर पीड़ित मरीज की तरह लोगों के सामने नहीं पोर्ट्रे करना चाहते थे. Few years back, he was diagnosed with leukemia, fought the disease and survived like a winner. ठीक वैसे ही उन्हीं की फिल्म काइट की हीरोइन बाबरा मोरी एक कैंसर पेशेंट रह चुकी हैं और फिल्म मेकर अनुराग बासु की तरह वो भी रिकवर हुई और दुनिया के सामने अपनी बीमारी की खबर को लेकर आई. इस खतरनाक बीमारी के विक्टिम्स रह चुके अनुराग और बाबरा की इसी बात पर काफी अच्छी बॉन्डिंग भी हुई. एंड इंस्टेड ऑफ शाइंग अवे फ्रॉम द डिजीज, दे फॉट इट ओपनली. देखा जाए तो ये सभी सेलिब्रिटीज यंग और ग्लैमरस हैं, जिनके लिए कैंसर एक बेन की तरह आया होगा, लेकिन इनसे मूछ पाने की बजाय उन्होंने इसका खुलकर सामना किया और इसके बारे में ओपनली बात करके लोगों को इंस्पायर भी किया. ऐसे में ये कहना गलत नहीं होगा कि आज की फेमस जनरेशन की सोच और एटीट्यूड काफी बदल चुकी है. So Simi, gone are the days when these big stars used to hide their personal problems or their lives, and look at it now. Supreet, I think this is a very inspirational story that we have decided to do on page 3. And it was playing at the back of my mind for a very long time. In fact, when Aliza Ray openly discussed the fact that she was dealing with cancer and she successfully dealt with it, I thought about it and I said, wow, this is one brave girl. Because yahan par hum apne politicians ko dekhte hain who do not want to discuss the fact that they are battling with the C word and wo saalon saal chupa ke rakhte hain ki they are dealing with cancer at any level, whether it's at a very early stage or at a later stage, you know, वो कभी पता नहीं लगने देते हैं, you know, अपने क्लोज एड्स को या फिर पब्लिक को कि उन्हें कैंसर है, एंड छुप छुप के इलाज करवाते रहते हैं, एंड ऑफ कोर्स पॉलिटिक्स में एक्टिव रहते हैं. कई बार सिर्फ उनके जाने के बाद ही हमें पता लगता है कि उन्हें कैंसर है, या फिर फॉरेन कंट्रीज़ में जाके अपना इलाज करवाते रहते हैं सालों साल और हमें पता तक नहीं लगता. और यहाँ पे हमारे फिल्म स्टार्स हैं या जो हमारे स्पोर्ट्समैन हैं, फॉर होम कैंसर कैन एक्चुअली बी अ वेरी डेंजरस वर्ड, बिकॉज फॉर देम इट्स ऑल अबाउट यूथ, यू नो, एंड कैंसर मीन्स यू नो नॉट बींग लेफ्ट विद एनर्जी, और इट कैन ऑब्वियसली बी अ मिसकंसेप्शन. इट कैन ऑल्सो मीन दैट यू मे लूज योर
looks. And these are the people who have actually decided that they're not going to be like that and they're going to come out in the open. So if you look at Manisha Koirala, if you look at Lisa Ray, if you look at Yuvraj Singh, it is people from this industry who are supposed to be youthful and who are supposed to hide these things about themselves, who have come out in the open and been so inspirational to the world and said ki yes, hume cancer hai, but we are going to battle it out, we are going to fight it out, and they have become the success stories. And ye kitne millions of logon ko ummeed denge, hope denge ki yes, you know, we can do this, and kitne logon ko inspire kar payenge ki aap bhi jee sakte hain, aap bhi apni life dobara shuru kar sakte hain. Aur jo hamare politicians hain jo already budde hain, and they don't need to do this. They do not even need to be youthful. They do not even need to look beautiful. But wo ab tak chupate rehte hain. And here are these beautiful people. Here are these young people who should not have said this, but they have come out in the open. And I think our politicians and many other people need to take a lesson from these people and learn to be more honest. But of course, yahan pe ye bahut hi touchy subject hai. And everybody needs their privacy. And we need to respect that. There could be different reasons why people do not want to discuss this in public. So we need to respect that here. Bollywood mein ek change aa chuka hai. Agar aap purane zamane ke stars ko dekhte hain, to jab unhe cancer hota tha, they would never want the families to discuss this outside. Hamare bahut sare stars hain purane zamane ke. I wouldn't want to take the names here. Like I said, let's respect their need for privacy. But unhone apni families ko strict instructions diye the ki jab tak hamare last rites nahi ho jate, duniya ko hame aise dekhne bhi mat dena ki we are in that state or we are suffering. They wanted to be remembered in a certain way, just standing tall like the way their fans or the audience had seen them. And that's the way they wanted to be remembered, completely evergreen, completely good looking and powerful and charming. But I think the modern age stars, whether it's sports stars or whether it's the Bollywood stars, they have been very, very brave. And it's the same with Hollywood, and it's completely admirable the way they're going about it. And I say hats off to these people. Definitely, in an image-driven industry, it's definitely pat on the back to these young icons. It takes a lot of courage to do that. Well, Simi, on that note, thank you so much for joining us this week. It's always my pleasure. We'll see you next week then. इतनी सारी मजेदार बातों के बीच एक छोटा सा ब्रेक आ भी जाए तो क्या हुआ? आखिर अच्छी चीजों के इंतजार का तो कुछ और ही मजा है. So we will see you right after this teeny weeny break. So when it comes to sizzling answers and shocking stories and wild parties, no one does it better than Page 3. Time now for us to say bye, but hey, see you again soon, only on Zoom, India's number one Bollywood channel.